हे गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल टेकी ग्रो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कभी भी अपने WHMCS क्लाइंट एरिया में ऐसा लॉगआउट पे क्लिक करते हैं, सो ये index.php पे रिडायरेक्ट कर देता है और आप चाहते हैं कि ये हमारी किसी मेन वेबसाइट या किसी अदर URL पे रिडायरेक्ट करें। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसको मैं अगेन लॉग इन कर लेता हूँ और अभी मैं इसको लॉग आउट करने के बाद रिडायरेक्ट करवाऊंगा इस वाली अपनी मेन वेबसाइट पर। तो ठीक है गाइस, इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जाना है पब्लिक HTML में और उस डायरेक्टरी को ओपन करना है जहां पर आपने अपना WHMCS इंस्टॉल कर रखा है। उसके बाद इंक्लूड्स में जाना है, हुक्स में जाना है और यहां पर आपको एक फाइल क्रिएट करनी है। सो मैं यहां पर action.php क्रिएट कर लेता हूं, इसको राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है और एंड जो कोड मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है उसको आपको इधर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप अपना इधर URL चेंज कर लेंगे। ठीक है, सो मैंने तो अभी चेंज कर रखा है, इसको सेव चेंजेस करेंगे एंड अभी एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद इसको लॉग आउट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसने हमको अभी अपने मेन वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिया है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।